दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक ये विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट की मौत हो गई है। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 174 लोगों के सवार होने की खबर है। बताया जा रहा है कि विमान वंदे मातरम मिशन के जरिए लोगों को दुबई से ला रहा था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से इस विमान दुर्घटना के बारे में फोन पर जानकारी ली। केरल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि कोझिकोड और मल्लापुरम जिला कलेक्टरों और IG अशोक यादव समेत अधिकारियों की टीम एयरपोर्ट पर बचाव अभियान में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना की जानकारी बेहद दुखद है। मैंने NDRF को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने और बचाव कार्यों में सहायता करने का निर्देश दिया है। वहीं तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि प्लेन दो टुकड़ों में बट गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ये विमान बारिश के चलते लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच गईं। NDRF की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी हैं और फायर ब्रिगेड के साथ ही एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। वहीं घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाने लगा।